Hi, I'm Dr. Veena Bhattapati. I'm a senior consultant at Neo Hospital. My field of interest is high risk pregnancy, infertility, adolescent gynecology, and the menopausal problems. आज हम प्यूबर्टी के बारे में कुछ बात करने वाले हैं. प्यूबर्टी इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट इन एवरी गर्ल्स लाइफ विच इज बोथ फिजिकली एंड मेंटली चैलेंजिंग एंड रिक्वायर्स अनड्यू केयर, लव एंड रिस्पेक्ट टू टेक केयर. प्यूबर्टी एक ऐसा पार्ट है लाइफ, गर्ल्स की लाइफ में, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस में ध्यान देना पड़ता है. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़ डाइट, क्योंकि इस समय पे और गर्ल की ग्रोथ मैक्सिमम हो रही होती है, तो उसके लिए एक बैलेंस डाइट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बैलेंस डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, स्पेशली आयरन, क्योंकि ब्लीडिंग के कारण बहुत बार पेशेंट लड़की एनीमिक होने लगती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है. अगर पेशेंट लड़की एनीमिक है तो उसको आयरन सप्लीमेंट भी देना जरूरी है. इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट फेस है, इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है गर्ल की प्यूबर्टी के फेस में, क्योंकि लड़की का बोन और मास डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, वो फिजिकली ग्रो कर रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है. तो आजकल परंतु बहुत सारी लड़कियां सेडेंटरी हैबिट्स के लिए जा रही हैं, बिकॉज ऑफ द स्कूल्स, बिकॉज ऑफ द स्टडीज, बिकॉज ऑफ द गेम्स, आईपैड, मोबाइल. तो कम से कम 30 से 45 मिनट हफ्ते में, कम से कम 5 दिन होने ही चाहिए है एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि स्विमिंग, रनिंग, कोई गेम्स, बैडमिंटन, किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है. जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस समय पे इम्पॉर्टेंट है, मेंसेस. लड़की को मेंसेस के बारे में सही जानकारी, क्या नॉर्मल है, क्या अबनॉर्मल है, मेंसेस को कैसे टेक केयर करना है, इसके बारे में उसकी उम्र के हिसाब से उसको जानकारी मिलनी चाहिए, चाहे वो उसके पेरेंट्स दें, चाहे डॉक्टर्स दें. बहुत बार मेंसेस में एबनॉर्मल मेंसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं शुरुआती समय पे, जैसे कि ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग बंद ना होना. इसके बारे में वो अपने घर पे अपने माँ बाप से, अपने डॉक्टर से खुल के बात करने लायक होना चाहिए, इतना उसको हौसला देना, क्योंकि मेंसेस अभी भी हमारे यहाँ पे एक टैबू है जिसके बारे में फैमिलीज में खुलकर बात नहीं की जाती. तो उसके बारे में ये एक नॉर्मल चेंज है, उसकी जानकारी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सही सोना ये भी इम्पॉर्टेंट, आजकल स्लीप डिप्राइवेशन बहुत कॉमनली मिल रहा है, तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद एक दिन में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उसकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा जो चीज़ें बात होना चाहिए कि वो किस समय पे डॉक्टर से मिलना है, क्या चीज़ एबनॉर्मल, इसके लिए वो बात कर सके. एक और चीज इम्पॉर्टेंट है, जो कि आजकल हम HPV वैक्सीनेशन, जो सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन है, वो 9 से 14 साल की लड़कियों को दिया जाता है. इसकी जानकारी होना और इसके लिए डॉक्टर के पास आने के बारे में सोचना चाहिए.